कन्नौज जिले के गुरसहायगंज क्षेत्र के रोटामई गांव में ग्रामीण प्रधान द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर खुलेआम धन उगाही करता हुआ वीडियो वायरल हुआ है। ग्राम प्रधान खुलेआम दबंगाई से आवास योजना के नाम पर अपनी रेट लिस्ट खुद ही जारी कर रहा है, जिसमें वो आवास योजना के नाम पर 50,000 रुपए खुलेआम लेने की बात कबूल रहा है। वहीं सामने बैठा एक लाभार्थी से वो 10,000 रुपए लेने का ताकादा भी कर रहा है। प्रधान खुद कह रहा है कि मैंने तुम्हें आवास दिलवाया तो मुझे 10,000 देने थे, वो मुझे क्यों नहीं दे रहे हो। ऐसे में भ्रष्टाचार मुक्त शासन की बात करने वाली प्रदेश सरकार के दावों पर कैसे ये ग्राम प्रधान पलीता लगा रहे हैं, इसका इन तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। क्या नाम है? सुमित कुमार। क्या मामला है? मेरे कॉलोनी जिसे आप इतने कॉलोनी लिए, इतने पैसे लिए हमसे, तो बोला 5,000 दो। हमने मेरे पास 45 रुपये हैं, हम रो माले मजूरी करके मेहनत करके भाई जोड़े उसको रखे, तो इतने गई तो मेरी अम्मा बोली दे दो, ये कॉलोनी नहीं बन दी ना, जो करके गाँव में पंगा मान लो कर दे, जो किसान था ना हार चुका था एक बार, तो हमने इसको पैसे दिए थे। जब सबकी कॉलोनी बनी तब इतने जो वर्धमान जो प्रधान था धर्मेंद्र, उतने भी 10,000 लिए। तब मेरी किस्त निकलाए, उसके बाद कोई जवाब ही नहीं आया मेरे पास। अब पैसे किसने लिए? आप पैसा क्या, उसने 10,000 इतने ले लिए, 45 उसके पास हैं, वो बोला हमने वीडियो दे दिए, हमने वीडियो बात कराओ, फिर वो उसकी बदली हो गई। भाई मैं ढूंढे गए, तुम ढूंढे गए, तुमने दिए तुम ढूंढे गए, हम ढूंढे गए, आप बताइए। आप धनपाल कह रहा है? हाँ धनपाल कह रहा है। किसको पैसे दे दिए? प्रधान को मान लो पैसा तो ये था नहीं, अब ये प्रधान हुआ है तो ये पहले आ गया था चुनाव। तो अब प्रधान क्या कहता है? पैसे जब पैसे जा कह रहा है पैसे तो नहीं दे पाएंगे, तेरी कॉलोनी निकल चुकी है, किस्त आ चुकी है, उसके बाद तुम अपनी जान जो है तेरी अगर पहुँच हो तो करा ले, हमको दो डाले वहीं ना कॉलोनी में। क्या नाम है? गुड्डी देवी। कौन पैसे लिया है आपसे? धनपाल ने। कितने पैसे लिए? 20,000। 20,000 रुपये ले, हमने मांगे वो नहीं देता है, हमारे पति की तबीयत खराब है और कानो जेवर वेवर रख के हमने पैसे दिए हैं, जब पैसे मांगते हैं तब वो गाली देता है। कौन गाली देता है? प्रधान देता है कि मैं धमकी देता है कि हम नहीं देंगे, गाली देता है कि मेरी थाने में चलता है, मेरी चौकी में चलता है, मेरी कन्नौज तक चलता है, सारे लोग जितने हैं दरोगा पुलिस वाले हमारी बात मानते हैं, जो हम कहें वही भी करें, हम बताओ तिनको सो करवाए दें मैं, और गाली देता है खराब खराब, इतनी गाली देता है कि जे साली औरत गलत है, जो आए वो आए, और के पुलिस वाले मेरी बात मानते हैं और पैसे नहीं दे रहे है। क्या नाम है? मुन्ना राज। क्या मामला है? आवाज़ रुपया ने लड़ाई मकान धनपाल ने यहाँ करी, हमको आवाज़ ब्लॉक द्वारा मिला, और ब्लॉक द्वारा मिलने के बाद रुपया 15,000 हमसे ले चुको, और जो हमारा आवाज़ आ गया उसने नहीं जाना, तब मेरे ऊपर उपद्रव डरा, कंप्लेंट करी ब्लॉक में, यहाँ एडियो साहब मेरी इंक्वायरी भई, मेरी किस्त रुकवाई, फिर एडियो इंक्वायरी भई, एडियो इंक्वायरी हुई के बाद मेरी किस्त आई, फिर पात्र का पात्र बनाओ, और फिर जब आ गई तो 20,000 रुपया मुझसे मांगता रहा, हमने बरगला रहे, हमने नहीं दिए। कौन रुपये मांग रहा है? धनपाल प्रधान। आवास मिल गया आपको? आवास हमको मिल चुका, उस किस्त ने मेरी आई रुकवाए, मैंने आवास बनवा लिया, और जो मीटिंग हुई थी जो का नाम ग्राम सभा कही थी बाबा, ग्राम का मीटिंग हुई थी उसमें वहाँ बुलाया गया, वहाँ मतलब गाली गलौज हुआ, हमको गोली मारने की धमकी दी। किसने दी धमकी? धनपाल प्रधान ने, यहाँ कि हम गोली मार देंगे जो कर देंगे, और 20,000 रुपया मांगे, 20,000 रुपया हमने नहीं दिया, इसी बात का विवाद जो कर रहा हमसे।